मुंबई के कांदिवली स्थित समता नगर पुलिस स्टेशन में बीते 5 दिसंबर को स्पेक्ट्रम एडू होम प्राइवेट ट्यूशन नामक कोचिंग सेंटर के एक टीचर के ऊपर कोचिंग क्लासेस पढ़ रही एक छात्रा ने अपने साथ अभद्रता व अश्लील हरकत व जबरदस्ती करने की कोशिश का मामला दर्ज करवाया था। वहीं इस मामले में समता नगर पुलिस ने कोचिंग क्लासेस के टीचर शैलेश प्रजापति के ऊपर धारा 354 ए 8 व 12 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में अब तक टीचर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं इस मामले में भारतीय विश्वकर्मा जनहित सेवा समिति की अध्यक्षा उज्ज्वला विश्वकर्मा ने बताया कि यह बड़ा निंदनीय विषय है। एक शिक्षक अगर ऐसा करेगा तो लोग किस पर भरोसा करेंगे। वहीं पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और आरोपी सलाखों के पीछे होना चाहिए, ऐसी कानून से मांग की है। क्या ये पूरा मामला क्या है समता नगर वाला? जी पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं भारतीय विश्वकर्मा जन सेवा समिति एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्षा उज्ज्वला विश्वकर्मा मेरा नाम है, जो की मैं कांदीवली लोखंडवाला में मेरी ऑफिस है। यहाँ पे ये जो केस हुआ है आज 6 दिन हो चुके हैं। 5 तारीख को FIR केस हुआ है, जो बकायदा मेरे पास FIR पेपर है 354 A 354 18 सॉरी 8 और 12 आर्टिकल्स जो लगाए हुए हैं। अभी तक हमारी समता नगर पुलिस जो है कि अभी तक आरोपी को ढूंढ नहीं पाई है। क्या कर रही है पुलिस ये हमें पता नहीं है। जब हम अगर कुछ क्वेश्चंस करें पूछे तो हमें दिलासा दिया जाता है कि CDR के लिए डाला हुआ है। तो ये चीज मुझे पूछना है, मैं मीडिया की हेल्प लेना चाहती हूँ, मीडिया की सपोर्ट लेना चाहती हूँ कि हमें इस चीज के लिए न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि 14 वर्ष की बच्ची की बात है, अगर कोई अध्यापक ऐसा अगर करे, किसी बच्ची के साथ घिनौना काम करेगा, तो कोई भी पेरेंट्स कोई भी माता पिता अपने बच्चों को क्लासेस और शिक्षा, जो आज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, तो किस बेस पे बेटी पढ़ाया जाए, किस बेस पे बेटी बचाया जाए, आप ही बताइए। जब हमारे अध्यापक ही ऐसे करने लगे तो हम किस बेस पे बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेजे। ये चीज खुद अध्यापक कर रहे हैं और खुले आम घूम रहे हैं। पुलिस का क्या रोल है, मतलब पुलिस का जांच से आप असंतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि आज 6 दिन हो गया है, आज 6 दिन में पुलिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। जब हमने कहा कि उनकी फैमिली को उठाओ और उनकी फैमिली को वहां पे जमा करिए, फिर कोई ना कोई तो रिजल्ट मिलेगा। बट वॉट दे आर टेलिंग मी कि नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं, हम आपको बोल रहे हैं काम हो रहा है, धीरे धीरे होता है बट होगा, वो मिलेगा तो होगा। अभी उसके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं और उसकी बहन कुछ दिन पहले अनीता प्रजापति करके जो है आरोपी का नाम, जो अध्यापक है उसका नाम है शैलेश प्रजापति, उसकी बहन है अनीता प्रजापति, जो समता नगर पुलिस स्टेशन के दिन हम 6 तारीख को मेडिकल कराने के लिए लड़की को लेके गए थे, जो बच्ची है उसे ले गए थे, तो वहां पे अनीता प्रजापति आके पुलिस स्टेशन में हंगामा किया। उसने बहुत फोटोज वगैरह ली, उस बच्ची के फोटोज ली, उस बच्ची के माँ के फोटो ली, और भी जो अन्य कार्यकर्ता वहां पे थे उनके फोटो ली, वीडियोज बनाए। पुलिस स्टेशन में जब हमने कहा, पुलिस ने मारा, पुलिस ने सहयोग भी किया हमारा, हम ऐसे नहीं करेंगे पुलिस सहयोग नहीं कर रही, लेकिन आज समता नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर से श्री प्रवीण राणे जी से मुझे बोलना है, श्री प्रकाश पवार जी से बोलना है कि आप लोग क्लेम कर क्या रही है कि आज 6 दिन हो गया हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं कि हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। इस मामले में आपने समता नगर विभाग के ACP राजेंद्र मोहिते और DCP स्मिता पाटिल से मुलाकात की? जी नहीं, हम मुलाकात करेंगे और ये चीज का मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि ये छोटा मोटा मैटर नहीं है, ये बहुत बड़ी मैटर है। देखा जाए तो पोक्सो कोई छोटा मैटर नहीं है, लेकिन मैं ये चीज कहना चाहती हूँ DCP मैडम को, अगर यही हाल रहा, यही सब होगा, तो मैं ही नहीं, यही एनजीओ नहीं, अन्य एनजीओ, अन्य और भी पत्रकार, ये सब धरना प्रदर्शन पे उतरेंगे, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए और हम धरना करेंगे, जरूर करेंगे, DCP ऑफिस के बाहर बैठ के धरना करेंगे, क्योंकि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इस मामले में क्या आप क्राइम ब्रांच की डिमांड करती है? ऑब्वियसली क्या क्राइम ब्रांच इस मामले में इन्वॉल्व होना चाहिए? होना चाहिए। मैं ये सोचती हूँ कि 12 नंबर यूनिट जो है उनको ये केस दिया जाए, 12 नंबर यूनिट से हमें ये चीज मैसेज मिलना चाहिए, क्योंकि वो जिस हद तक वो सब कर सकते, बोलते ना आज मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस सेकंड रैंक पे आती है, आज हमारे महाराष्ट्र की पुलिस डिपार्टमेंट को सेकंड रैंक दिया गया है काम के, इसमें बहुत बहुत बोले बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन आज छोटी से उनके लिए तो छोटा सा मैटर है, लेकिन आज एक बच्ची जो सामने आके अपने बारे में आबिती बता रही है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है,
तो क्यों हमारी पुलिस सोई है, क्यों सो रही है, क्यों नहीं जाग रही है? मेरा ये सवाल बार बार उठेगा समता नगर पुलिस स्टेशन के लिए। तो आपने इस मैटर में जब आवाज उठाई है तो आपको भी कुछ एनजीओ को धमकियां मिलती है, तो आपको धमकियां मिल रही है? जी मिल रही है। जैसे कि आवाज जो उठाई है हमारे मुंबई सॉरी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट आसिफ कुरैशी जो नाम है, वो इस काम को बहुत अच्छी तरीके से अपने पूरे कार्यकर्ता अपने टीम को लेके वर्कआउट भी कर रहे हैं, वहाँ पे सर्च भी करते हैं कि वो क्लासेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, घर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें कुछ ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी लड़कियां जो उनके अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है आई डोंट नो, प्रेम गुप्ता के आईडी से ये सब मैसेज आ रहे हैं, वाहियात मैसेज आ रहे हैं, धमकी मिल रही है, और भी मैसेजों से धमकी मैसेजेस क्या आ रहे हैं बता सकते हैं? मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे पास भी 80 लड़कियां हैं जो सर के सपोर्ट में हैं, और पहले तो वो 3 स्टेटमेंट इसमें दे चुकी है। पहले तो बताइए कि मेरी बड़ी मम्मी का मैं मतलब आदमी बन के पहले बात किया है इसने कि मेरे बड़े मम्मी की डॉटर यानी बेटी पढ़ती है, फिर दूसरा उसका स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि मैं उसकी बहन बात कर रही हूँ, थर्ड स्टेटमेंट आ रहा है कि मैं उसकी क्लास स्टूडेंट बात कर रही हूँ, जो कि ना ये क्लास स्टूडेंट है ना कि कुछ है, क्योंकि हम भी पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद ही किसी मुद्दे पे हाथ डालते हैं, ये तो आपको पता ही है। आज मीडिया सपोर्ट इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है क्योंकि इससे आसिफ कुरैशी जो मेरे एनजीओ का महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है उसको भी खतरा है, क्योंकि ये चीज भी मैंने वायरल होते हुए सुन रही हूँ कि इसको हम केस बना के इसके ऊपर डाल, हमारी कोई पर्सनली उसके साथ मैटर नहीं है, शैलेश प्रजापति से उस बच्ची का कोई पर्सनली मैटर नहीं है, इसने लिखा जब बच्ची खुद गलत है, बच्ची ऐसी है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर बच्ची को ब्लैकमेल किया जा रहा है, बच्ची के माँ बाप को मारने की धमकी दी जा रही है, बच्ची की एक छोटी बहन उसी क्लासेस में पढ़ रही है उसको मारने की धमकी दी जा रही है, तो कौन सी ऐसी बच्ची की डरेगी नहीं? आपसे मैं पूछ रही कौन सी ऐसी बच्ची की जो डर नहीं सकती है? अपने बचाव के लिए तो हर कोई बच्ची डरेगी ना। तो वो बच्ची ने जब उस बच्ची के साथ गंदी हरकतें उसने हद पार की, तो वो बच्ची के माँ बाप ने उसका क्लास छुड़वाया, और क्लास छुड़वाने के बाद उस सर को जाके मिले पर्सनली, मिलने के बाद उससे बात की, उसने एक्सेप्ट किया मेरे से गलती हो गई है, जो कि लड़की की जो माँ है वो भी मेरे साथ है यहाँ पे मौजूद है, आपको चाहिए तो उनका भी स्टेटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत हद से ज्यादा इन लोग ने पार कर दिया है, हद से ज्यादा पार कर दिया। और उसकी बहन आए नए दिन किसी न किसी नंबर से फोन करती है, लड़की को डराती है, लड़की को परेशान कर रही है कि क्लासेस क्यों नहीं आ रही, ये क्यों नहीं आ रही है। मैं तो यही मैं मीडिया से हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग भी सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं भी एक मीडिया से हूँ, मैं भी एक एनजीओ की प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मुझे आज मीडिया की सपोर्ट लेके आगे बढ़ना है, इस लड़की को इंसाफ दिलाने की, और कोई ऐसी श्रद्धा ना बने, क्योंकि श्रद्धा ऐसी ही मरती है, क्योंकि आज ये श्रद्धा नहीं बनी है, आज ये झांसी की रानी बन के आगे आई है, हमें हैट्स ऑफ होना चाहिए कि 14 साल की बच्ची एक दूसरे। मुंबई से गौरव राजपुरोहित की एक रिपोर्ट।